खमरिया गांव के एक 10 वर्ष के बच्चे की बिच्छू के डंक से मौत हो गई। एसएससीएल के गेवरा स्थित अस्पताल में उपचार के बाद उसे कोरबा के लिए रेफर किया गया। मृतक के पिता ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि डीन ने यह कहकर आरोप को खारिज कर दिया कि डॉक्टर ने अपनी ओर से पीड़ित को बचाने की पूरी कोशिश की थी। हरदी बाजार थाना के खमरिया गांव में रहने वाले सचिन निराला को सुबह बिच्छू ने डंक मार दिया था। घटना के दौरान बालक अपने कुछ मित्रों के साथ घर के नजदीक खेल रहा था। अचानक हुई घटना से उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर घर के लोग हरकत में आए और मुखिया को फोन पर जानकारी दी गई। मैं तो ड्यूटी में था, घर से फोन आया कि बच्चे को भी बिच्छू चाप दिए हैं, इतना पूरा झनझन आ रहा है बोले। मैं तुरंत गया हूँ दोस्त का बाइक मांग के। अपने कार्यस्थल पर यह सूचना मिलने के साथ किसी तरह बालक के पिता घर पहुंचे और आनन फानन में पीड़ित को MCH गेवरा पहुंचाया। यहां पर डॉक्टर पवन ने जरूरी उपचार किया। इसके बाद पीड़ित के द्वारा सीने में दर्द की शिकायत करने पर उसे कोरबा के लिए रेफर किया गया। आरोप है कि इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे और इसके बाद की चिकित्सा से स्थिति बिगड़ गई। MCH हॉस्पिटल पहुंचा हूं तो वहां पवन डॉक्टर थे, पवन डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट इंजेक्शन लगाए, बॉटल वोटल जो भी है दवाई वही लिखे। मैं लाया 850 का सामान, फिर देखा एक दो घंटा तो बच्चा बोले कि ठीक लग रहा है पापा। बेड बेड लाया, फिर उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया, बच्चे का पूरा सांस फूलना चालू हो गया है, फिर यही दम तोड़ दिया। लग क्या रहा बिच्छू डंक से हुआ है कि इलाज में कोई लापरवाही, क्या आपको क्या लग रहा? समय में तो डॉक्टर भी नहीं था। कहाँ नहीं था? यहाँ नहीं था, जिला अस्पताल। कहाँ गए थे डॉक्टर? डॉक्टर लंच में चला गया था। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अविनाश मेश्राम ने इस बारे में बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से एक मरीज यहाँ पहुँचा था, वह गैस्पिंग कंडीशन में था। कैजुअलिटी डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन संभव नहीं हुआ। जानकारी ये मिली है कि पेशेंट बच्चा था, वो स्कॉर्पियन बाइट का केस था वो, और स्कॉर्पियन बाइट वो 7-8 घंटे हॉस्पिटल में पहुंचा है हमारे कैजुअल्टी में, और कैजुअल्टी के डॉक्टर ने उसको देखा है और वो गैस्पिंग कंडीशन में था, सांस उखड़ रही थी, चेस्ट पेन और गैस्पिंग कंडीशन में था। डॉक्टर ने अथक प्रयास किया बचाने के लिए लेकिन संभव नहीं हो पाया, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जिला अस्पताल के प्रतिवेदन पर पुलिस चौकी ने इस मामले में मर्ग कायम किया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।